नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा स्वास्थ्य विभाग में सरकारी भर्ती के लिए विज्ञापन यहां पर जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अलग अलग वैकेंसी यहां पर शामिल की गई हैं। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, स्टाफ नर्सेज के लिए रिक्रूटमेंट यहां पर आ चुका है। इसके अतिरिक्त यहां पर लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन, ये पोस्ट यहां पर रहने वाली है। मेडिकल ऑफिसर, वेंटिलेटर ऑपरेटर और स्वीपर, ये वैकेंसी यहां पर सम्मिलित कर ली गई हैं। और देखिए, आठवीं कक्षा अगर आप लोग यहां पर पास है तो बिल्कुल आप लोग यहां पर आवेदन कर पाएंगे। और मात्र एक छोटा सा इंटरव्यू आप सभी लोग का यहां पर लिया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पर जो है आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। सबसे पहले आप सभी लोग ये जान लें, ये जो वैकेंसी यहाँ पर जो रिलीज की गई है, आप सभी लोग यहाँ पर हेडिंग पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी। और देखिए, लखीमपुर खीरी द्वारा उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा ये COVID-19 रिक्रूटमेंट यहाँ पर आया हुआ है। पूरा भर्ती विज्ञापन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट यहाँ पर क्या रहने वाली है, पोस्ट वाइज कितनी क्या वैकेंसी यहाँ पर शामिल की गई है, एज क्राइटेरिया आपके लिए यहाँ पर क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन के तौर पर योग्यता आपसे यहाँ पर क्या क्या मांगा जाने वाला है अप्लाई करने के लिए, पर मंथ बेसिस पर कितनी सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी और इंटरव्यू में शामिल होने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, सारे निर्देश मैं आपको यहाँ पर रीड करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना है। दिल से वीडियो को यहाँ पर लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पर क्लिक कर लें। उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपनी वैकेंसी टेबल की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा ये वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ की गई हैं। और देखिए, L1 हॉस्पिटल और देखिए L2 हॉस्पिटल जो यहाँ पर बनाए गए हैं, और देखिए COVID-19 कार्य आपको यहाँ पर करना है। 3 मंथ के लिए आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। संविदा के आधार पर जो है आपको यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना है। रिक्त पदों का विवरण जो है आपको नीचे की तरफ दिया जा रहा है। बात कर लेते हैं वैकेंसी टेबल की। तो देखिए, पहली जो पोस्ट यहाँ पर जो शामिल की गई है वो रहेगी यहाँ पर देखिए चिकित्सा अधिकारी की। 8 पद यहाँ पर शामिल किए गए, MD हो और देखिए MBBS हो, यहाँ पर देखिए MS हो, तो बिल्कुल आप लोग आवेदन करें। 60,000 रुपए से लेकर देखिए 1.5 लाख रुपए तक जो है आपको यहां पर मंथ बेसिस पे सैलरी मिलने वाली है। लैब टेक्नीशियन की दूसरी वैकेंसी यहां पर शामिल की गई है। 5 पद यहां पर रहेंगे और देखिए लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा आपसे यहां पर मांगा जा रहा है। 13,500 रुपए जो है मंथ बेसिस पे आपको यहां पर सैलरी दी जाएगी। तीसरे नंबर की वैकेंसी दोस्तों देखिए स्टाफ नर्स की है। 5 पद यहां पर शामिल किए गए हैं और देखिए GNM का आपको यहां पर डिप्लोमा मांगा जा रहा है। और देखिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का और 18,150 रुपए जो है मंथ बेसिस पर आपको यहां पर सैलरी दी जाएगी। चौथे नंबर की जो वैकेंसी है वेंटिलेटर ऑपरेटर की यहां पर रहेगी। 4 पद यहां पर शामिल किए गए हैं। डिप्लोमा आपसे यहां पर मांगा जा रहा है और रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होना जरूरी है उत्तर प्रदेश जो यहां पे काउंसिल का यहां पे जो रहता है। 7,500 रुपए जो है आपको पर मंथ बेसिस पे सैलरी दी जाएगी। एक्सरे टेक्नीशियन की 5वें नंबर की वैकेंसी है। 1 पद यहां पर शामिल किया गया है और देखिए डिप्लोमा आपसे यहां पर मांगा जा रहा है इससे रिलेटेड और देखिए रजिस्ट्रेशन भी आपसे यहां पर मांगा जा रहा है जो भी उत्तर प्रदेश राज्य का आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन रहता है। और देखिए 14,443 रुपए जो है पर मंथ बेसिस पर यह सैलरी आपको यहां पर मिलने वाली है। अंत में देखिए स्वीपर की वैकेंसी है, 6 नंबर की वैकेंसी यहां पर रखी गई है और 6 पद यहां पर शामिल किए गए। और देखिए 8वीं कक्षा पास होना यहां पर जरूरी है। कोई भी एक्सपीरियंस आपसे यहां पर नहीं मांगा जा रहा है, मात्र जो है 8th क्लास अगर आप लोग यहां पर पास हैं तो बिल्कुल आप सभी लोग यहां पर अप्लाई करें। और देखिए 7,613 रुपए जो है पर मंथ बेसिस पे ये सैलरी आपको यहां पर दी जाएगी। तो बिल्कुल देखिए पूरा रिक्त पदों का विवरण मैंने आपको यहां पर समझाया है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको यहां पर अप्लाई करना है, इंटरव्यू की डेट यहां पर क्या रहेगी। तो देखिए आप सभी लोगों को नीचे की तरफ आपको यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया जा रहा है। आप सभी लोग अपनी बेसिक डिटेल आप लोग यहाँ पे फिल करें, अपना फोटोग्राफ आप लोग यहाँ पे चिपकाएं, आपकी पोस्ट का नाम लिखें, आपका नाम, आपके फादर का नाम, मेल है तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे, और देखिए मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, और देखिए अनमैरिड है तो अनमैरिड यहाँ पे लिखेंगे। परमानेंट एड्रेस आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे और जो भी आपका यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है तो इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराएं। और यहाँ पे देखिए टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी और देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है, बेसिक डिटेल है। और यहाँ पे देखिए फिर जो है आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, 10th क्लास की करें, फिर उसके बाद देखिए 12th क्लास की करें, जो भी आपका डिग्री है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, जो भी आपका कोर्स है आप सभी लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं। और देखिए कौन से बोर्ड से किया है, पासिंग ईयर क्या है, और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या थे, कितने परसेंटेज आप लोगों ने यहाँ पे प्राप्त किए, और यहाँ पे देखिए कौन सी डिवीज़न थी, 1st डिवीज़न है, 2nd डिवीज़न है, और देखिए कोई और रिमार्क है तो आप सभी लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और देखिए एक्सपीरियंस की जानकारी अगर आपके पास है तो बिल्कुल अगर आप लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और अंत में जो है आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, जो भी आपके यहाँ पे सिग्नेचर रहेंगे। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग यहाँ पे फिल करें, बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, कोई ज़्यादा यहाँ पे कठिन आपका ये फॉर्म नहीं है, बड़े आराम से जो है आप सभी लोग यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरव्यू में शामिल होना है। तो देखिए बोला जा रहा है, अतः आवेदन पत्र के साथ अपना बायोडाटा एवं समस्त शैक्षणिक योग्यता का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र,
निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दो फोटो तथा अनुभव विषयक प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं मूल जो आपके प्रमाण पत्र हैं। 30 सितंबर 2020 प्रातः 11 बजे जो है स्थान आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में वॉक इन इंटरव्यू आप लोग यहाँ पे जाएंगे। तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे, बायोडाटा तैयार करके आपको यहाँ पे ले जाना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है और यहाँ पे देखिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ओरिजिनल फॉर्म में आपको यहाँ पे ले जाने हैं, और ओरिजिनल के साथ साथ जो है फोटोकॉपी का सेट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा और फोटोग्राफ भी लेकर आपको यहाँ पे कैरी करके ले जाना है। और देखिए स्थान आपको ये बताया जा रहा है, इस जगह पे जाके आप सभी लोग यहाँ पे अपना इंटरव्यू देंगे। और देखिए 30 सितंबर 2020 को 11 बजे से जो है आपका यहाँ पे इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे आवेदन करें और इंटरव्यू में शामिल हो जाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई होगी, अपडेट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और देखिए कुछ वैकेंसी यहाँ पे ऐसी रखी गई हैं जिसमें यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है, सभी लोग आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। और ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक करें इस वीडियो को, दिल से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल वगैरह है आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप द्वारा कोई भी अगर आपका यहाँ पे डाउट है तो आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, 7415436 59, ये हमारा चैनल का व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी डाउट है, आप सभी लोग यहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी, जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रिस्पांस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लें। उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पात्र है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।